हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ गणपति बैकड्रॉप का डेकोरेशन। आप किस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में मैं लेके आई हूँ। आप ये सारे डेकोरेशन जो है वो रियल फ्लावर या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर से भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर जो है मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, तो आप उसका भी यूज़ करके बहुत ही अच्छा बैकड्रॉप जो है गणपति का कर सकते हैं। और सारे डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा देखने में सुंदर है। आप मल्टी कलर का यूज करके या फिर सिर्फ गेंदा फूल का यूज़ करके बहुत ही अच्छा डेकोरेशन कर सकते हैं। फिर मैंने बहुत अच्छे अच्छे जो है आपको आइडियाज़ दिए हैं, इसमें से आप कोई भी आइडियाज़ लेकर अपना जो है डेकोरेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो पेपर आर्ट भी कर सकते हैं, क्राफ्ट से भी बहुत ही अच्छा गणपति का डेकोरेशन बना सकते हैं। सारे डेकोरेशन जो है वो इको फ्रेंडली वे में भी आप बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, पेपर का यूज़ करके, क्राफ्ट का यूज़ करके या फिर थर्माकोल का यूज़ करके भी बहुत ही अच्छे जो है डेकोरेशन आप बना सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, जो भी आपको आइडियाज़ अच्छा लगता है उस तरह का डेकोरेशन आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो थोड़ी बहुत लाइट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लाइटिंग ऐड करेंगे तो उससे और भी ज़्यादा आपका डेकोरेशन देखने में अच्छा हो जाता है। और सारे डेकोरेशन जो है एकदम न्यू है, लेटेस्ट डिज़ाइन है, तो सारे जो आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा आपका डेकोरेशन, प्लस बहुत ही ईजिली जो है वो बन भी जाता है। तो आप मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने यहाँ पे बैकड्रॉप के जो है डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये सारे डिज़ाइन जो हैं गणपति बप्पा के डेकोरेशन में आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगेगा। प्लस फ्लावर और लाइट के साथ में आपका डेकोरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो वीडियो पूरा प्लीज़ एंड तक देखिएगा और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कुछ भी कमेंट होगा तो नीचे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।